हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आ गया हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के। तो आज हमारा रूट होगा लाइक जीटी नगर टू लाल किला चोर मार्केट। तो आज हम चलेंगे जीटी नगर से लाल किला चोर मार्केट। तो फिलहाल के लिए हम पहुँच गए मुखर्जी नगर थाना। यहाँ से हम जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और ये हमारी पहुँचेगी जीटी नगर की रेड लाइट, जो कि यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट। तो आज गाइस मैं आपको दिखाऊंगा चोर बाजार। तो वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, उनकी चीपेस्ट रेट्स बताऊंगा और आपको एक छोटा सा वे बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, लाइक बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और आज मैं आपको एक बात बता दूँ, आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपनी इस स्कूटी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। लाइक तो बहुत दिन बाद मैंने ये स्कूटी दोबारा पकड़ी है, हालांकि मेरा चलाने का बहुत ही कम मन करता है इस स्कूटी को, बट फिर भी आज मैंने स्कूटी ले ली है। सो गाइस, यहाँ पर हमको लाइट मिल चुकी है ग्रीन और इसी के साथ हम चल दिए हैं। तो चलते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा। देख रहे हैं आज रोडों पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, इसका रीज़न है क्योंकि आज है संडे और हमें जाना है संडे बाजार। तो हमने पार कर दिया है ऑलमोस्ट विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस। अब हम चलेंगे बिल्कुल सीधा, लाइक स्ट्रेट जाना है हमको क्योंकि हम जाएंगे लाल किला। गाइस आप मुझे गाइड करें कि मुझे कहां से जाना चाहिए, आउटर या अंदर है वहां पर, और आपको दिखाते हैं वहां की नई नई चीज़ें और आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे गाइस। तो गाइस आपको जो भी सामान वहाँ का अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वहाँ का क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या नहीं अच्छा लगा। और यहाँ से लेते हैं लेफ्ट और ये रोड जाएगा सीधा आउटर की तरफ, आई मीन टू से हाईवे की तरफ। सो हम निकलते हैं हाईवे पर। तो चलेंगे गाइस हम हाईवे पर और वहाँ से लेंगे हम राइट, देन हम जाएंगे स्ट्रेट बिकॉज हमको जाना है रेड फ्लोर की तरफ। तो रेड फोर्ट जाने के लिए हमको लगा था कि पहले हमें इनर की साइड से जाना चाहिए था, लाइक अंदर की तरफ से, बट अभी हमारा थोड़ा सा माइंड चेंज हो चुका है। तो अब हम जाएंगे आउटर वाले वे से बिकॉज वहाँ पर टोटली रोड खाली मिलने वाली है, तो वहाँ से जाने का मज़ा ही अलग आने वाला है। सो वीडियो में बने रहे, पूरी एंड तक देखे और वीडियो को एंजॉय करे, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले गाइस। और ये इसी के साथ हमको लाइट मिल चुकी है ग्रीन, तो चलते हैं गाइस नॉन स्टॉप, लाइक बिना रुके हम चलते हैं यहाँ से। और अब हमने ले लिया है राइट और अब हमारे आगे चल रही है BMW। गाइस BMW किस किस ने चलाई है गाइस, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताया। मेरी तो फेवरेट कार है यार, मैं अक्सर इसे ड्राइव करता रहता हूँ। और मैंने और भी लग्जरी कार चलाई है, जस्ट लाइक BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ऐसी बहुत सी कार चलाई है। सो मुझे लग्जरी का वैसे ही थोड़ा सा शौक भी है और मज़ा भी आता है। सो गाइस आप में सब बताएगा कौन कौन ड्राइव कर चुका है लग्जरी कार और उसका एक्सपीरियंस, और कौन सी लग्जरी कार कितनी ज़्यादा लग्जरी है और कितनी ही ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो में। सो गाइस इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट लाइक ISBT। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहां पर ISBT का जो पार्किंग है वो दिख जाएगी आपको लेफ्ट साइड में मेरे, और हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बट हमने पार्किंग कर दी है सॉरी क्रॉस, और अभी हमें जो मुनिस्ट्री की मार्केट है वो दिखेगी। सो मैं आपको दिखाऊंगा मुनिस्ट्री की मार्केट, लेट्स सी, ये रही मुनिस्ट्री की मार्केट। और अभी हमने इसको भी कर दिए क्रॉस और अब हम जा रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बिकॉज हमको जाना है रेड फोर्ट चोर बाजार। गाइस दिल्ली का चोर बाजार बहुत ही फेमस है, आपको नहीं पता, आई थिंक सबको पता ही है यार, मुझे क्या नहीं पता यार, सबको पता है यार दिल्ली का रेड फोर्ट और चोर बाजार बहुत ही फेमस है गाइस। वहां पर जाने के बाद एक अलग ही फील आता, मतलब जो आपको चाहिए टोटली सब कुछ मिलेगा, बस बंदा बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए। सो गाइस आप वहां पर जाओ और शॉपिंग करो जो भी आपको चाहिए, बट इतना ध्यान रखना वहाँ पर बार्गेनिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, अदरवाइज आपका वहाँ जाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज वहाँ पर 80% माल जो होता है वो लोकल, आई मीन डुप्लीकेट होता है, लोकल होता है, बट जो 20% होता है वहाँ के प्रोडक्ट वो जेन्युइन होते हैं, उनको ढूंढने वाला बंदा होना चाहिए। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंदर और ये रास्ता जाता है सीधा मस्जिद की तरफ, जैसा कि आपको और ये जा रहे हैं यहाँ से अंदर। तो लाइक यहाँ पर हमको देख रहे हैं शूज़, वैसे तो मैं अभी आपको मार्केट दिखा दूँ यहाँ की कितनी ही ज़्यादा भीड़ रहती है,
बस कितना क्राउड है और आज अच्छे से मार्केट नहीं लग पाई है, इसलिए थोड़ा सा खुला डुला एरिया भी है। देखो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह, फॉर्मल शूज़ वगैरह, जीन्स वगैरह, स्पोर्ट्स शूज़ दिखा दूँ मैं। मेरे भाई के पास भाई स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहा है, उधर थोड़े से फॉर्मल्स भी लगे हुए हैं। ये सारे फॉर्मल शूज़ हैं, तो अभी हम पता करते हैं कुछ शूज़ के रेट। जैसे कि हमारे मित्र हैं ये अंशुमन जी, और इनको स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए, तो हम देख रहे हैं भाई फुल पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पता करते हैं स्पोर्ट्स शूज़ के रेट। तो अंशुमन जी देखिए कौन सा शूज़ पसंद आ रहा है आपको। तो अंशुमन जी ने पता किया है एक शूज़, और इसका शूज़ भाई बता रहे हैं। भाई क्या क्या प्राइस है इनका? भाई बता रहे हैं इसका 800 रुपये प्राइस है। तो अभी देखते हैं बार्गनिंग करके या पसंद आ रहा है इनको कैसा होता है, देखते हैं गाइस। बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, जब भी मैं आपको दिखा पाऊंगा पूरा लाल किला एक्सप्लोर कर पाऊंगा। अदरवाइज अगर आप वीडियो को कट पेस्ट करोगे तो फिर आप वीडियो पूरी अच्छे से नहीं देख पाओगे। सो लेट्स सी क्या होता है। सो देखते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लाइक कुछ चप्पल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये सॉरी ये फॉर्मल का कलेक्शन है भाई के पास। और भाई से पूछेंगे भाई आपका स्टार्टिंग रेट क्या होगा। भाई का रेट है 400 रुपये से, और लास्ट प्राइस मैक्सिमम 800 रुपये तक मैक्सिमम। और भाई बता रहे हैं कि ये चप्पल जो है 100 रुपये की भी चप्पल मिल जाएगी यार आपको, और क्या ही लोगे, मतलब 100 रुपये में और क्या लोगे यार। देख रहे हो फुल नाइके की कॉपी वगैरह दिख रही है आपको, और 75 रुपये की चप्पल बता रहे हैं भाई। 75 रुपये की चप्पल, मतलब लाइक एज अ टॉयलेट या फिर एज अ नॉर्मल घर के अंदर हम इसको इजिली पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर के अंदर पहनने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भाई बता रहे हैं 75 रुपये की चप्पल है, तो यार नॉट बैड यार 75 रुपये में, तो यार बिल्कुल सही है यार मेरे हिसाब से। तो देखते हैं गाइस, अभी तो हमारे फ्रेंड देख रहे हैं अंशुमन जी, शूज़ पसंद नहीं आया तो इनको तो शूज़ पसंद आया नहीं, तो चलते हैं गाइस आगे वीडियो में देखते हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लाइक पूरे एरिया में इतनी ज़्यादा भीड़ है आज, मतलब मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ संडे बाज़ार, तो आपको दिखा दूँ यहाँ का क्राउड कितना ही ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पर। अटेक्ट मैं आपको दिखा दूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जहाँ मस्जिद के बिल्कुल पीछे की साइड में, तो आप देख लेंगे बिल्कुल उसकी बैक साइड में जो यहाँ पे बाजार लगी हुई है, टोटली मतलब क्राउड ही क्राउड है इस जगह पर। और यहाँ पर मोस्टली क्या मिलता है, जस्ट लाइक जो भी सेकेंड हैंड सामान होता है, और जिसको नॉलेज है उस सामान की वो ही ना दे सकता है, अदरवाइज यहाँ पर कोई मतलब अच्छा सामान नहीं ढूंढ सकता है बाकी, क्योंकि मोस्टली जो इस एरिया में होता है वो सारा का सारा कॉपी ही मिलता है और ओरिजिनल सामान मिलते हैं, बट जो अच्छे से जानकारी हो या जो अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ शूज़ पड़े हुए हैं, तो मैं एक शूज़ दिखाऊंगा आपको, वेट। सो गाइस दिखाते हैं आपको एक शूज़, जस्ट लाइक मैं पूछूंगा भाई साहब से ये शूज़, भाई कितने का है ये शूज़ है भाई? जैसा कि भाई बता रहे हैं 1100 रुपये का शूज़ है ये, और ये कोई मोची ब्रांड का लग रहा है मुझे, बट मुझे नहीं लगता कि यार 1100 रुपये इसके लिए ठीक होंगे। भाई क्या रेट लगा लोगे आप? क्या रेट लगाओगे इसका? इसका 600 रुपये भाई। तो भाई साहब अभी कह रहे हैं इसका 600 रुपये लगाएंगे, बट आपको लगता है कि गाइस अगर आपको लगता है 600 रुपये इसका ठीक है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताइएगा, बाकी हम देखते हैं बार्गेनिंग करके। मुझे शूज़ तो चाहिए एक, और मुझे देखने में भी बढ़िया लग ही रहा है, तो भाई से करते हैं बात बार्गेनिंग, और उसके बाद बताता हूँ गाइस मैं आपको कि लेना ठीक रहेगा या नहीं। मिलते हैं गाइस दूसरी शॉप पर। हमें यहाँ के शूज तो पसंद आए नहीं है, तो देखते हैं दूसरी दुकान पे। बेसिकली ये मुझे लगता है कि पूरा का पूरा शूज मार्केट है, और ये हमारे मित्र हैं यहाँ पर। क्या हाल है सर? चलिए तो चलते हैं यहाँ का, देखते हैं शूज वगैरह जो अगर पसंद आते हैं तो दूसरी दुकान पे। तो गाइस दिखाते हैं, बट अभी तो हमें कोई पसंद आया नहीं है शूज यहाँ का। हमारे अंशुमन जी को पुमा का शूज पसंद आया। लेट्स सी देखते हैं कि क्या ही रेट बता रहे हैं इसका। भाई 1800 रुपये प्राइस बता रहे हैं इसका, और शूज़ दिखा दूंगा मैं आपको लाइक देखेंगे आप, पूमा का ओरिजिनल शूज़ है ये, पीछे में बिल्कुल पूमा का नहीं, ये तो मर्सिडीज़ का है यार, मर्सिडीज़ की बैचिंग है, और शूज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में हमको, नो डाउट है। और ऐसे कोई ब्रांड में दिखाओगे ना? अच्छा मतलब हमें चाहिए था उतना अच्छा तो नहीं है। सो गाइज मैं आपको दिखाऊंगा एक फॉर्मल का कलेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अरे मैंने दिखाया नहीं,
क्या कह रहे हो जनाब? व्यूअर्स के लिए दिखाओ एक। अरे हाँ, आज हमको आपको बताते हैं, लाइक हमने लिया है एक आईफोन का आईपॉड, जो एयरपॉड, जो कि काफी अच्छे लगे हमें और इसकी डील भी हमारी काफी अच्छी रही। ऑल फीचर्स आर देयर, सारे फीचर दिखा रखे हैं। बढ़िया मिल नहीं रहा था, फाइनली हमें आकर के मिला है लाल किले की चोर बाजार में। सो हमारा यहाँ आने का जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है गाइस। सबसे बड़ा हम लोग के लिए इसके साथ कवर हमको फ्री सेवा में मिला है, लाइक तो केबल के साथ में भी, केबल भी दिखा देते हैं। और केबल भी इसकी मतलब बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को, लाइक काफी अट्रैक्टिव और काफी यूनिक लगी थी। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद से कहोगे लाइक कि हाँ कोई केबल है ये गाइस, जस्ट लाइक देख रहे हैं, देख के पता नहीं चल सकता कि ओरिजिनल है आपका डी है इसकी। बिल्कुल भाई। सो चलो पूछते हैं, जरूर एक बार विजिट करो यार यहाँ पे, आने के बाद दिल खुश हो जाएगा। बाजार में आइए और अपनी पसंद से चीज़ों को ढूंढिए और बार्गेनिंग करिए। बट गाइस इतना ध्यान रखना, यहाँ पर आने के बाद बार्गेनिंग आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, तो ही तो आपका बेनिफिट होगा, अदरवाइज यहाँ पर आने का कोई। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्मल शूज का कलेक्शन, तो अभी पता करेंगे कि क्या ही रेट है। तो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने शूज एक पसंद किया है और इसका रेट भाई साहब बता रहे हैं 1100 रुपये बता रहे हैं। और शूज मैं आपको दिखा दूँ, मतलब देखने में तो खैर अच्छा ही लग रहा है भाई, और करते हैं बार्गेनिंग भाई से अभी। लाइक शूज तो मुझे चाहिए ही चाहिए फॉर्मल्स, तो करते हैं बात भाई से और बताते हैं गाइस आपको हुआ क्या, क्या नहीं हुआ और हमने क्या। चिड़िया मार्केट हो गई खत्म, हमको वहाँ से कोई भी चिड़िया पसंद नहीं आई, ना हमको कोई वो पसंद आया। तो अब हम देख रहे हैं शूज, लाइक यहाँ पर वुडलैंड कुदली कोपर वगैरह के शूज हमको दिख रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं सर से रेट क्या रेट होंगे। तो हमारे अंशुमन जी को पसंद आया है ये वाला और इसका रेट सर बता रहे हैं 900 रुपये। एक बार शूज देखेंगे हम, उसके बाद बात करते हैं। एक बार शूज दिखाएंगे सर आपको, तो दिखाते हैं सर आपको शूज, लाइक देखने में काफी ही अच्छा सा लग रहा है ली कोपर की बैचिंग के साथ में। तो शूज तो अच्छा लग रहा है, बाकी करते हैं बार्गेनिंग सर से, देखते हैं क्या रेट लगाएंगे क्या रेट नहीं लगाएंगे। तो पूछते हैं लास्ट क्या रेट लगेगा सर जी। तो सर का कहना है 600 रुपये लास्ट रेट लग जाएगा। तो देखते हैं गाइस, करते हैं बात और दिखाते हैं आपको आगे। लाइक यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स शूज रखे हुए हैं, बट हमको स्पोर्ट्स शूज तो चाहिए नहीं अभी। फाइनली हम आ चुके हैं लाजपतरा मार्केट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक का माल मिलता है। तो गाइस जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये सारी होलसेल मार्केट है। संडे होने के कारण यहाँ पर सारी मार्केट बंद है, मतलब सारी तो नहीं कहूँगा गाइस, मतलब 90% मार्केट बंद है यहाँ पर। बट फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, जिस लाइक आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ तो नहीं 10% दुकानें खुली हुई हैं। तो दिखाते हैं उनको कुछ आपको, देखिए गाइस
दिल्ली के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो सारा का सारा लाजपत नगर मार्केट से ही जाता है, जो कि चांदनी चौक के अंदर पड़ता है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सारी होलसेल मार्केट है, यहाँ पर रिटेल मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, सब होलसेल मिलता है। तो जिसको भी होलसेल में माल चाहिए वो यहाँ पर आके माल ले सकता है। आप देख सकते हैं इतना ही प्यारा लग रहा है, सैंपल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है।